तो अभी हम लोग सीखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके नाम से ही क्या पता चलता है, इलिवेशन का मतलब है इंक्रीमेंट और डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीमेंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, करेक्ट ना। इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। अब इसको सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप मेरे को बताइए फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। हाँ, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इन टू इट्स सॉलिड कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इन टू या कन्वर्ट्स इन टू चेंजेज इन टू इट्स सॉलिड स्टेट कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन इस डेफिनेशन से इस चैप्टर में कोई काम नहीं, इस डेफिनेशन से हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो एक और डेफिनेशन, दूसरा सेकेंड डेफिनेशन को आपको ध्यान से सुनना होगा। अब देखिए, सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। पहले सुनिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अभी इसको देखते हैं। जैसे एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड लिया है, और इसका मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग मान लीजिए वाटर ले लिया, इनिशियल केस में वाटर है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? माइनस वाले 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ध्यान से, अभी इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, मेरे को पता नहीं, वेपर प्रेशर मान लीजिए एक्स है। अभी ये लिक्विड का, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहले, हाँ ये बताइए, ये बोल रहा है कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो। अब ये कैसा कहानी है, अगर ये सारे लिक्विड सॉलिड बन ही गया, अगर इस पूरे सॉलिड हो गया ये सॉलिड, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा, इसका तो वेपर प्रेशर 0 नहीं होगा। सॉलिड का वेपर प्रेशर 0, यानी एक किसका, एक किस कंडीशनिंग की बात कर रहा है सुनिए। यानी अगर ये लिक्विड है इस कंटेनर में, तो जब ये लिक्विड अभी लग रहा है कि यार ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तभी का तो वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, क्योंकि सॉलिड का तो वेपर प्रेशर तो 0 होगा, तो उस वक्त तब तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़े आएगा, वो सॉलिड कम्प्लीटली बन गया तो काहे का फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ये कब का बात कर रहा है कि जब जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदल रहा होगा तब वेपर प्रेशर आएगा, और ये सॉलिड का वेपर प्रेशर कब होगा, जब ये लग रहा होगा कि यार अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट ना। तो इस टाइम का ये बात कर रहा है कि यानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में बदले और सॉलिड लिक्विड बदले, उसी टाइम पे एक ऐसा कंडीशनिंग होगा कि दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। क्योंकि डेफिनेशन में कैसा है सुनिए, जिस टेम्परेचर पे, एंड द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट,
यानी वही लिक्विड जब सॉलिड में बदलेगा तब का वेपर वेपर प्रेशर, अरे जब कम्प्लीटली वो सॉलिड में बदल ही जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर जीरो। यानी ये कब का बोल रहा है कि लग रहा है कि ये सॉलिड जस्ट लिक्विड में बदल जाएगा और ये जो लिक्विड है जस्ट वो सॉलिड में बदल जाएगा, यानी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो सॉलिड में है अभी चला गया है या लिक्विड में चला गया है। करेक्ट ना, समझ रहे क्या, बोलो ना हाँ या नहीं। समझ यानी एक कौन सा कंडीशन है जहां पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे टेम्परेचर जो लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, उस टाइम के कंडीशन को ही कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गया डेफिनेशन, हो गई क्या, बोल नहीं रही। अब सुनिए, अब ये एग्जाम्पल इधर ध्यान दीजिए, एक कंटेनर है, मान लीजिए पानी ही लिया, इसमें वाटर ले लिया है और इसका मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए एक्स है, एक्स डिग्री सेल्सियस है या एक्स डिग्री केल्विन है, एक्स केल्विन है, और उस टाइम पे वेपर प्रेशर मान लीजिए कोई वाई है। अब ध्यान से आपको समझना है, अब इसी कंटेनर में मैं क्या कर रहा, शुगर डाल दे रहा, शुगर शुगर, तो आप मेरे को बताएं कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो वाई से ज़्यादा होगा या कम, वेपर प्रेशर जब शुगर डाल देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, ए बढ़ेगा कैसे, सुनो ना, ये वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन है, तो इसका वेपर प्रेशर लेस देन वाई बन जाएगा। अब जब वेपर प्रेशर घट गया है तब तो इसी सॉल्यूशन का तब फ्रीजिंग टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमको वेपर प्रेशर 1 atm बनाना था, इसलिए हमको और हीट करना पड़ रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। अब हमको नहीं, अभी हमको जितना वेपर प्रेशर बना है उतना ही रखना है, तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कम होगा, हम थोड़े बोल रहे हैं कि यार इसका वेपर प्रेशर बढ़ाना है, नहीं। अगर मान लीजिए जब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, सर, फ्रीजिंग पॉइंट भी लेस देन एक्स हो जाएगा। अगर इसमें डाउट है तो बोलिए, समझ नहीं मैं बोल रहा कि जब, एक मिनट सुनिए, मैं इसको इरेज कर रहा, ध्यान से देखिए, अभी मैं बोल रहा कि जब हमने ये पहले वाटर था, इसका मान लीजिए वेपर प्रेशर वाई है, कब का, जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट है टेम्परेचर एक्स, तब अब हम इसमें शुगर डाल रहे हैं, शुगर, तो मेरे को पता है जब शुगर डाल देंगे तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा नहीं घटेगा, अगर वेपर प्रेशर घट गया तो इसका टेम्परेचर नहीं कम हो जाएगा, क्योंकि जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा। हाँ ना, इसलिए तो इसका क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट वो लेस देन एक्स हो जाएगा, यानी ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, तो हाँ इसलिए इसका नाम है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है तो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर से रिलेशन है इसका, कि वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी कम होगा,
समझ रहे क्या? ये बहुत सोचने वाला है, नहीं तो टेंशन में पड़ जाते हैं। तो हमको पता है कि इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब ये इलिवेशन ही बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा है, यानी अगर एक अभी मैं वाटर को चेंज कर दे रहा, अगर कोई भी एक सॉल्वेंट है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मान लीजिए क्या है, एक्स एक्स है। और इसी सॉल्वेंट में हम लोग अगर शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मॉल्टोज कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो शुगर डाल दें या फ्रुक्टोज डाल दें या इसके अंदर ग्लूकोज डाल दें, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है मान लीजिए वाई है, तो एक्स बड़ा या वाई क्या बड़ा होगा? मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा, हाँ एक्स का ज्यादा एक्स ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम। तब सुनिए ध्यान से, यानी अगर हम लोग इलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये सॉल्वेंट है आपका और ये आपका है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कम होगा, सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, तो ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है या नहीं? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका उल्टा होता है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ, उधर बोलते हैं डेल्टा टी वी, इधर बोलते हैं डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो अगर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो हम डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर ये डेटा नहीं दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे? तो बाई फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड, तब ये फॉर्मूला क्या है ये सुनिए। अब उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी भी होता है, इसमें है डेल्टा टी एफ, और फॉर्मूला है के एफ इंटू स्मॉल एम, उसमें था के बी इंटू स्मॉल एम, इसमें है के एफ इंटू स्मॉल एम है। या हम लोग बोलते हैं ऐसा कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम है, मोलालिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इस केस में, मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, अगर इसी सॉल्वेंट में मैं 5 ग्राम शुगर डालूँ, 5 ग्राम शुगर, तो अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट एक्स है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाई है, और इसी सॉल्वेंट में अगर मैं 10 ग्राम डाल दूँ, 10 ग्राम शुगर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जेड, तो जेड और भी कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जितना ही आप सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे, सोल्यूट बढ़ा रहे क्या मतलब, मोल बढ़ा रहे, मोल बढ़ा रहे मतलब क्या है, मोलालिटी बढ़ा रहे, करेक्ट। तो जितना मोलालिटी बढ़ेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही घटता चला जाएगा, डेल्टा टी एफ है मतलब डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, यानी वैल्यू उसका घटता चला जाएगा, करेक्ट। बोलो ना, डाउट है क्या? सर तो डेल्टा टी एफ तो आपको पता है, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ, उधर के बी था, इधर के एफ है, तो उधर मोलल इलिवेशन, इधर मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर, पूछिए
प्रोपोर्शनल है, अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे इस फॉर्मूले में यहाँ पे देखिए, तो हम लोग लिख लेते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, के कॉन्स्टेंट है, एफ फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग एफ जो यहाँ पे फ्रीजिंग को डिनोट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में बी था तो बी बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है, हाँ के कॉन्स्टेंट को डिनोट कर रहा है और एफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उधर मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसमें मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, उसमें एक और कॉन्स्टेंट का नाम था इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इसमें नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, या इसको बोलते हैं डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, एक एफ दिया रहेगा, नहीं तो हमको वाटर के लिए याद करना है, और स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी, तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है या एक सेकेंड, मोल ऑफ सोल्यूट सॉरी मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या इसको ही हम लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट बोलिए अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर एक ग्राम में हो गया तो हमको ऊपर थाउजेंड से गुना करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ से मोलालिटी निकाल लेंगे, के एफ दिया रहेगा तो डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, जब डेल्टा टी एफ पता रहेगा तो अगर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा, सॉल्यूशन का दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला जा सकता है, अगर सॉल्यूशन का दिया रहेगा डेल्टा टी एफ पता रहेगा तो हम लोग सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, करेक्ट, या सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। अब रहा टेंशन की, अगर के एफ नहीं दिया रहा है तब, इफ के एफ इज, अच्छा सॉरी एक मिनट और रुकिए, यहाँ पे अभी डेल्टा टी एफ जो है वो है के एफ इंटू स्मॉल एम, तो यूनिट ऑफ के एफ निकालना है तो क्या करेंगे आप, यूनिट ऑफ के एफ के लिए क्या करेंगे आप, के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपको डेल्टा टी एफ बाई स्मॉल एम, अरे यहाँ से डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू स्मॉल एम है तो के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई स्मॉल एम, और डेल्टा टी एफ क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे या केल्विन में लिखेंगे, और स्मॉल एम है मोलालिटी तो इसका यूनिट होता है मोल पर के जी, या यहाँ पे मोल पर के जी, तो हम क्या करें, के जी ऊपर जाएगा, डिग्री सेल्सियस के जी पर मोल या केल्विन के जी पर मोल, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा, उसमें के बी का जो यूनिट है वही के एफ का भी यूनिट है, डाउट है तो बोलिए। अब वाटर के लिए के एफ हमको याद रखना चाहिए, फॉर वाटर ये नहीं देता है, कभी कभी दिया रहता है लेकिन याद होना चाहिए, यानी के एफ ऑफ, हाँ वाटर जब देगा तो नहीं दिए रहता है, बाकी सॉल्वेंट दिए रहेगा तो वो दे देता है, तो के एफ ऑफ एच टू ओ जो होता है 1.86 केल्विन के जी पर मोल, समझ गए, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अब टेंशन है कि अगर के एफ नहीं दिया हुआ है और कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे लेटेंट हीट दिया हुआ है, तब के एफ कैसे निकालेंगे, तब सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ के एफ तो के एफ का फॉर्मूला है आर टी एफ स्क्वायर 1000 इंटू एल एफ, या एक दूसरा फॉर्मूला है आर टी एफ स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे 1000 इंटू एच एफ, सेम यहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट,
गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या इसका वैल्यू होता है 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन, या इसका एक और यूनिट है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। तो यार का डेटा हमको पता रहेगा। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं सॉल्वेंट, कुछ भी होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। एलएफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ लेना है सब। और इधर यूनिट रहेगा जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम। और एचएफ वही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन इधर यूनिट है जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल। बोलिए इसमें कोई डाउट है? तो एलएफ एचएफ दिए रहता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिए रहेगा, और टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट भी दिए रहेगा, आर हमको ये पता होना चाहिए, तो वहाँ से के एफ निकाला जा सकता है। जैसे के एफ पता चल गया तो इस फॉर्मूले का यूज करके डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू स्मॉल एम डेल्टा टी एफ निकाला जा सकता है। जैसे डेल्टा टी एफ पता चले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा तो सोल्यूशन निकल जाएगा, अगर सोल्यूशन दिया होगा तो सॉल्वेंट निकल जाएगा, या अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो इसका आप हेल्प यूज करके आप डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। डाउट है? तो ये है आपका थियरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए।